21 तारीख को रात को 11 बजे दोनों घर से निकले। उसके बाद घर में न आने के कारण उनके जो घर वालों ने एक मिसिंग कंप्लेन दी थी नेरुल पुलिस स्टेशन में 22 तारीख को। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ऐसा मालूम चला कि एक जो व्हीकल है बलेनो जो आमिर की थी वो खालापुर में एक जगह हमें पाई गई अबंडन। उसमें व्हीकल में एक फायरिंग के सिम्टम्स और दो एम्प्टी कार्ट्रिज मिली और थोड़ा ब्लड दिखा। तो उसके आधार पर हमने नेरुल में FIR रजिस्टर की 30 आर्म्स एक्ट विथ अटेम्प्ट टू मर्डर एंड 363। उसके इन्वेस्टिगेशन में दरमियान जब हम खोज कर रहे थे तो हमें पहले सुमित जैन की बॉडी मिली रायगढ़ हद्दी में। तो उसका भी हमने फिर और इन्वेस्टिगेशन किया तो रीजन क्या हो सकता है इनका 363 या जो ऑफेंस हुआ उसके बारे में मोटिव क्या हो सकता है। तो ये पता चला कि ये दोनों दोनों का जो रियल एस्टेट का बिजनेस था और कुछ डिस्प्यूट्स थे किसी प्रॉपर्टी के आने वाले पैसे पे, तो उससे ये हुआ है ऐसा इन्वेस्टिगेशन मिला। तो उसमें से सस्पेक्ट जो था जो उसका फ्रेंड था सुमित जैन का विठल नाकाड़े उसको हमने पहले हिरासत में लिया और उसके पूछताछ में हमें पूरी स्टोरी जो है थोड़ी सामने आई। तो स्टोरी इस प्रकार थी कि ये पूरा प्लानिंग जो था 1-2 दिन पहले सुमित जैन ने और विठल नाकाड़े ने किया था कि इसमें सुपारी देगी 50 लाख की थ्रू विठल नाकाड़े और एक जो नेरुल का रहवासी है आनंद क्रूज के मार्फत एक सुपारी दी गई। और इसमें आमिर जो पैसे के पीछे मांग रहा था कि जो उसका जो शेयर था जो प्रॉपर्टी का डिस्पोजल उन्होंने किया था गलत तरीके से तो उसको मालूम था। और ये दोनों सुमित और आमिर ये दोनों 2-3 साल से काफी व्यवहारों में साथ में काम कर चुके हैं और ये जो डॉक्यूमेंट था फ्रॉड था ये इसमें कुछ गलत है आमिर को मालूम था। उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन में इनमें कुछ डिफरेंसेस थे तो और सुमित के ऊपर करीब करीब 12-15 करोड़ का कर्जा भी हो गया था। इसमें आमिर का और सुमित का ऐसा व्यवहार था कि आमिर प्रॉपर्टी ढूंढ के लाएगा और सुमित जो है वो इन्वेस्टर लाएगा। तो उनमें कुछ व्यवहार हो सकते हैं कुछ, पर डिस्प्यूट का मेन जो अब तक सामने आया है कि ये जो रोहा की प्रॉपर्टी है पाली की प्रॉपर्टी है सॉरी उसके ऊपर से इनका डिस्प्यूट हुआ था और सुपारी सुमित जैन ने नाकाड़े के मदद से जो मेन जो है जय सिंह उर्फ राजा मुदलिया और उसका जो सहकारी जो अभी वांटेड है उनको सुपारी दी गई और उन्होंने पूरा फिर नेरुल में गाड़ी में बैठ के बाकी जो खुद सुमित को स्टैब करना डिस्पोज करना ये सब जो है किया। और सुमित को उनकी मारने की पहले प्लानिंग नहीं थी पर बाद में जो ब्लड लॉस हुआ एक्सेस और जो डिस्प्यूट हुआ गाड़ी में और उसमें बाद में और जो स्टैबिंग उस पर हुई पैर पे उससे उसकी डेथ हुई ऐसा अब तक तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है।